सो वेलकम टू सिग्नेचर ईकॉम सॉल्यूशंस, आई एम ऋषि। आज की वीडियो फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए और जस्ट एक फ्लिपकार्ट की अपडेट देने चाह रहा हूँ। तो ये अपडेट कल ही आया था फ्लिपकार्ट का, एंड बिलीव मी काफ़ी अच्छा पॉइंट पकड़ के फ्लिपकार्ट ने इस बार अपडेट किया है, क्योंकि बहुत सारे सेलर इस चीज़ के लिए परेशान थे। सो अभी जब ये अपडेट आया तो डेफिनेटली मुझे भी काफ़ी खुशी हुई, मैंने भी अपने क्लाइंट्स को बताया, और कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट ने बहुत अच्छा, मैं बोलूँगा, पॉइंट पकड़ के इसको अपडेट किया है और इससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ फ्लिपकार्ट में देखने को मिल सकती है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली वीडियो को, जस्ट एक अपडेट है, बट इस अपडेट के अंदर जो स्ट्रैटेजी है फ्लिपकार्ट की वो हम डिस्कस करेंगे, क्या प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व करी है इस पर डिस्कस करेंगे, प्लस जो आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं उसको भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। सो सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट का जो एफ एश्योर्ड बैच हुआ करता था, आपको भी पता है एफ एश्योर्ड बैच एक होता है फ्लिपकार्ट पे, उस पर मैंने बहुत डिटेल वीडियो एक बना रखी है कि कैसे इसको ले सकते हैं आप। अब इस एफ एश्योर्ड बैच का नाम जो है वो एफ प्लस कर दिया जाएगा, और जैसे आपने देखा होगा पहले जब शॉपिंग करते थे बायर तो उनको एफ एश्योर्ड दिखता था अपने प्रोडक्ट पे, अब वो एफ एश्योर्ड इस तरीके से एफ प्लस दिखेगा। एफ प्लस तो नहीं, जस्ट इस तरीके का प्लस करके इस तरीके का दिखेगा, जो पहले एफ एश्योर्ड यहाँ पे ब्लू कलर का लिखा हुआ आता था। सो ये एक आइकन भी चेंज इन्होंने किया है, जैसे इन्होंने, आप देखेंगे मेल भी आया होगा शायद आपको इनका, यहाँ पे लिखा गया एफ एश्योर्ड टू एफ प्लस चेंजेस विल कम इन इफेक्ट फ्रॉम मिड मे 2022 ऑन द सेलर डैशबोर्ड। तो ये जो चेंजेस होंगे 20 तारीख से इन्होंने ये डेट दी है। सो अभी आपको जो ऑर्डर आ रखे होंगे वो ऑर्डर जो 20 तारीख कल जो पड़े थे ऑर्डर, वही आज आप प्रोसेस करोगे। सो डेफिनेटली आज में आपको इसके चेंजेस का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आज से जो भी ऑर्डर आएंगे, क्योंकि आज मैं 21 तारीख मॉर्निंग 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ, और अभी जो ऑर्डर जितने भी आए होंगे आपके पास वो कल के प्लेस्ड हुए ऑर्डर ही होंगे। सो अब आपके पास जो भी ऑर्डर आएंगे उसमें ये इम्प्लीमेंटेशन आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले रूट कॉज पकड़ते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती थी सेलर को जिसकी वजह से ये चेंजेस जो फ्लिपकार्ट को है वो करने पड़े। तो होता क्या था गाइज, आपको भी पता है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो तो आप उसको या तो एफ एश्योर्ड में सेल करिए या तो बिना एफ एश्योर्ड के सेल कर सकते हैं। एफ एश्योर्ड तीन तरीके से मिलता है, मैंने आपको वो भी बता दिया था। अब होता क्या है, मान के चलिए आपका जो ये प्रोडक्ट है, मान के चलिए एक ये प्रोडक्ट है, इसका रेट आपने रखा है 269 रुपीज़। अब क्या होता है, 269 रुपीज़ आपने ये रखा हुआ है और ये एक एफ एश्योर्ड लिस्टिंग है, मतलब एफ प्लस एफ एश्योर्ड लिस्टिंग है, ठीक है। सो 269 का आपने ये प्रोडक्ट बेचा, कोई कस्टमर इसको खरीदता है, मान के चलिए प्लस कस्टमर ने इसको खरीदा, सो प्लस कस्टमर के लिए एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट हमेशा शिपिंग फ्री होता है। सो 269 का उसको ये प्रोडक्ट पड़ा, 269 की आपकी बिलिंग हुई और आपको 269 के बेस पे अपना सेटलमेंट मिल गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत कहाँ पर आती है, अब यही एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट अगर कोई नॉन प्लस कस्टमर खरीदेगा, और फ्लिपकार्ट पे मैं बता दूं अभी भी 75% जो बायर हैं वो आज भी नॉन प्लस हैं, 75 से ज़्यादा ही हैं वो नॉन प्लस हैं। अब नॉन प्लस कस्टमर अगर इसको खरीदेगा तो 269 का उसको ये पड़ेगा, प्लस क्योंकि ये प्रोडक्ट एफ एश्योर्ड है तो उसको ये प्रोडक्ट शिपिंग फ्री नहीं मिलेगा, उसको इस पर शिपिंग देनी पड़ेगी। अगर मिनिमम 40 रुपीज़ भी अगर मैं मान के चलूँ तो इस प्रोडक्ट का रेट अब हो जाएगा 300 से ऊपर, राइट। अब 300 से ऊपर अगर इसका प्रोडक्ट का रेट हो गया तो इससे नुकसान क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस प्रोडक्ट का यहाँ से FSN कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ रेट कार्ड में, तो मैं देखता हूँ रेट कार्ड को, अगर मैं यहाँ पे FSN कॉपी करके रेट कार्ड में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जब ये प्रोडक्ट 300 से नीचे का बिक रहा था, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, तो रेट कार्ड में हमने ठीक से रिफ्रेश नहीं किया है, ओके अभी आ गया है रेट कार्ड आपका, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, फिर इसमें कोई इशू आ रहा है पोर्टल में, आई गेस कोई इशू चल रहा है इस वजह से हमें प्रॉब्लम, अब आ गया। देखिए सबसे ऊपर कमीशन है फ्लिपकार्ट का कमीशन, सो आप देखेंगे अगर 300 से नीचे का आपका प्रोडक्ट है तो आपको कमीशन जीरो लगेगा, लेकिन अब इस केस में क्या हो गया, 269 आपने प्रोडक्ट का रेट रखा था प्लस उस पर शिपिंग लग गई तो उस प्रोडक्ट का रेट 300 से ऊपर चला गया, अब आपको इस पर 11% कमीशन लगेगा। अब आप खुद सोच के देखो, पहला तो आपका यहां पे लॉस हुआ क्योंकि आपको 11% कमीशन देना पड़ गया जो आपको जीरो देना पड़ रहा था,
राइट। लेकिन प्लस कस्टमर को यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत हुई क्योंकि उसको ₹40 शिपिंग देना पड़ा। तो इस चक्कर में आप भी परेशान, आप बोलोगे यार मुझे अगली बार से एफ एश्योर नहीं चाहिए, फालतू में इसमें नुकसान हो रहा है, 70% प्रोडक्ट में तो कमीशन मेरा लग रहा है, किसी में कमीशन नहीं लग रहा है, अड़ंग बड़ंग हो रही है, मतलब मेरे को जो है वो इसका हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा है। और इसी वजह से मैं देखता था बहुत सारे सेलर जो एफ एश्योर में जाना चाहते हैं वो एफ एश्योर में नहीं जाते थे और फ्लिपकार्ट का ऑब्वियसली लॉस होता था। प्लस कस्टमर के लिए भी यहाँ पे बहुत दिक्कत है, कस्टमर एफ एश्योर्ड है तो उसको शिपिंग लग रहा है, किसी को शिपिंग नहीं लग रहा है तो वो प्लस कस्टमर के थ्रू बाई करेगा, फिर इस वजह से वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो गाइस इसका एक सिंपल शॉर्ट सॉल्यूशन फ्लिपकार्ट ने बहुत अच्छा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। और अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला है फ्लिपकार्ट में हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ लिस्टिंग प्राइस कस्टमर टाइप प्लस नॉन प्लस विल हैव फ्री शिपिंग। अब आपका प्रोडक्ट चाहे किसी भी रेट का हो, राइट, पहले ये भी होता था कि एफ एश्योर्ड इतना प्राइस का होगा तो नॉन प्लस कस्टमर के लिए शिपिंग लगेगा, 500 से ऊपर का होगा तो शिपिंग नहीं लगेगा। तो अब इरिस्पेक्टिव ऑफ रेट क्या है फर्क नहीं पड़ता, प्लस कस्टमर है नॉन प्लस कस्टमर फर्क नहीं पड़ता, अब आपके जितने भी एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट हैं, अब मैं एफ प्लस प्रोडक्ट बोलूंगा, उन पे शिपिंग कस्टमर को नहीं लगेगा। सो गाइज ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है सेलर्स के लिए भी बायर के लिए भी। सो जब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है तो फ्लिपकार्ट का बिजनेस इससे काफी अच्छा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने अगर एफ एश्योर्ड में प्रोडक्ट नहीं डाला है तो आप डालो, तीन तरीके हैं डालने के, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप फ्लिपकार्ट सेलर हेल्प वाली प्लेलिस्ट में मेरी चले जाना, वहां से आपको फ्लिपकार्ट से रिगार्डिंग सारी वीडियो मिल जाएगी। और फ्लिपकार्ट एमेजॉन मीशो के रिगार्डिंग एनी सर्विसेज यू वॉन्ट आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्लिपकार्ट ने पकड़ी और मैं सबको बोलूंगा आप एफ एश्योर्ड में जाओ। पहले क्यों नहीं जाते थे कि भाई विजिबिलिटी तो बढ़ेगी लेकिन यहाँ पे शिपिंग ज्यादा लगने की वजह से हमारा जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ हो जाता है, प्लस उस पर कमीशन हमारा पे हो जाता है, किसी पे कमीशन नहीं लग रहा है, रेट ज्यादा करें कम करें, तो बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती थी, ठीक है। दूसरा इसमें रूल है ऑन नॉन एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट, जो नॉन एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट है द फीचर ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री शिपिंग टू प्लस कस्टमर विल नाउ बी डिसेबल्ड। अब नॉन एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट जो है उस पर पहले एक फीचर होता था कि प्लस कस्टमर के लिए आप फ्री शिपिंग कर सकते हो, वो अब आप नहीं कर पाओगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ गई है। तो आप कोशिश करें सारे प्रोडक्ट आप एफ एश्योर्ड में डाल दें। इन्होंने यहाँ पे एक सर्वे भी किया था, 100 सेलर्स को पार्टिसिपेट करवाया था, तो उन्होंने यहाँ पे अपडेट दिया है कि 2 वीक में उनकी सेल 50% ग्रो हुई है और होती है, कई केसेस में नहीं भी होती है। तो एफ एश्योर्ड आपकी विजिबिलिटी बढ़ाता है, सेल ऑब्वियसली तभी आएगी जब आपके प्रोडक्ट में उतना दम होगा। कुछ सेलर ने यहाँ पे अपडेट भी दिया गया है, आई डोंट नो सही है गलत है, आई डोंट नो, इसको हम साइड ही कर देंगे। तो रूल्स पढ़ लेते हैं, फ्री शिपिंग एश्योर्ड विल बी लाइव फ्रॉम 20th of April। उसके बाद आप चाहे तो अपने अकाउंट मैनेजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, वो आपको समझा देंगे, बट आई गेस जितना डीप में मैंने समझाया इतना डीप में आपको कोई नहीं समझाएगा। सो एफ एश्योर्ड जो है वो एफ प्लस में इसका चेंजेस हो गया है एंड आप चाहे तो तुरंत जाके एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट में आप मतलब वहाँ पे जाके एफ एश्योर्ड ले लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने स्लाइड भी बनाई है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड आपको मिल जाएगा। इसको मैं डाउनलोड करके अपने इंस्टाग्राम में, जो इंस्टाग्राम के अपने ऑफिशियल आईडी है उस पर डाल दूंगा। इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो गाइस वहाँ पे मैं छोटी छोटी अपडेट डालते रहता हूँ, आप डायरेक्ट जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। आई होप ये अपडेट आपको पसंद आई होगी, इस अपडेट का फायदा कैसे उठाना है ये भी आपको मैंने बता दिया है। कोई भी अपडेट आती है तो मैं डायरेक्ट अपडेट कर देता हूँ, उसके लिए आपका चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। कोई और चीज़ पे वीडियो चाहिए डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।